इस क्रांतिकारी भूमिका को लेकर स्वतंत्र मजदूर यूनियन मैदान में खड़ी हो गई है। साथियों, हम चाहते हैं कि ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ, मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण मिला ओबीसी को, लेकिन मंडल कमीशन ने ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन का भी रिकमेंडेशन किया था। और हाल ही में जो 2014 में जो नचियाप्पन कमेटी का रिपोर्ट हमारे सामने आया है, इस संसद के प्लेटफॉर्म पर वो लाया गया है, तो इस नचियाप्पन कमेटी रिपोर्ट के माध्यम से भी ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण का रिकमेंड किया गया है। तो साथियों, हमें ओबीसी को भी साथ लेना है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी इन तीनों को जो रिजर्वेशन मिलता है वह एक ही संविधान के कलम से मिलता है, और वह कलम है 16(4). तो साथियों, ओबीसी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन की भी मांग इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के माध्यम से स्वतंत्र मजदूर यूनियन द्वारा की गई है। हम निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग करते हैं। हमें पता है कि 1991 के बाद जब एलपीजी इस देश में लागू हुआ, निजीकरण ग्लोबलाइजेशन इस देश में जब से लागू हुआ, तब से हम देखते हैं कि जो सरकारी उद्योग है वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सरकारी सेवाएं है वह प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, सरकारी कर्मचारियों की संख्या दिन ब दिन घटते जा रही है, और आउटसोर्सिंग कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या बढ़ते जा रही है। तो साथियों, जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हमें संविधान के माध्यम से मिला, वह परमानेंट एम्प्लॉयमेंट छीनने का काम भी इस देश में हो रहा है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन होना चाहिए, यह मांग स्वतंत्र मजदूर यूनियन के माध्यम से हमने की है। साथियों, जुडिशियरी में रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। इस दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में 25 जजेस बैठे हुए, 25 जज हमारे जीवन का फैसला करते हैं इस दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हमें क्या दिखता है कि सभी के सभी जज एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, बस पर्टिकुलर विचारों को बिलोंग करते हैं, और ये पर्टिकुलर विचारों को बिलोंग करने वाले जजों से हम न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, करना भी गैर है। तो साथियों, इन जजों की जो मानसिकता बनी हुई है, जो माइंड सेट हो गया है उनका, उस माइंड सेट के मुताबिक उनके ऑर्डर आते हैं, उनके जजमेंट आते हैं। तो हमें जुडिशियरी में भी प्रतिनिधित्व हमें एससी एसटी ओबीसी को चाहिए, यह भी मांग स्वतंत्र मजदूर यूनियन के माध्यम से हमने किया। साथियों, हम देखते हैं कि इस देश में लाखों की तादाद में आंगनवाड़ी सेविका काम करती है, उनको मिनिमम वेजेस तक नहीं मिलता, 12-12 घंटे उनसे काम करके लिया जाता है, और हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविका, यह एससी एसटी से ज्यादातर बिलोंग करते हैं। तो इन आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, उनको रेगुलर करना चाहिए, इस मांग को भी लेकर स्वतंत्र मजदूर यूनियन देश में खड़ी हो गई है। हमको पता है कि 2004 के बाद जो सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन इस देश में मिलती है, उस पेंशन को बंद किया गया है। साथियों, हमें पता है कि सरकारी कर्मचारी जब 30 साल 35 साल काम करता है, सेवा देता है, और जब वह रिटायर होता है तो उसको पेंशन की जरूरत होती है, कुछ पूंजी की जरूरत होती है। तो साथियों, सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए, इस मांग को भी लेकर स्वतंत्र मजदूर यूनियन इस देश में पहली बार खड़ी हो गई है। साथियों, हम देखते हैं कि इस देश में 12 ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया लेवल पर
काम करती है उनको रिकॉग्नाइज सरकार द्वारा किया गया है। तो जब स्वतंत्र मजदूर यूनियन इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है, तो स्वतंत्र मजदूर यूनियन को भी केंद्र सरकार ने मान्यता देना चाहिए। और मान्यता देकर जो भी कमिटियां सरकार की होती है लेबर के इश्यूज के लिए, फिर वह ILO हो, ILU हो, उन सभी कमिटियों पर स्वतंत्र मजदूर यूनियन को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इस मांग को भी लेकर हम आंदोलन इस देश में खड़ा कर चुके हैं। तो साथियों, हमें दो प्रकार की लड़ाई आज हमारे अधिकार बचाने के लिए इस देश में लड़ने की जरूरत है। पहली लड़ाई हमारे जुडिशियरी के साथ में है और दूसरी लड़ाई हमारी इस सरकार के साथ में है। तो साथियों, सरकार के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए हमें रास्ते पे आने की जरूरत है। साथियों, हमें भूल जाना चाहिए कि मैं कर्मचारी हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं बड़े अहदे पर हूँ। हमने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमें सर्विसेज में आने का जो चांस मिला वो केवल केवल रिजर्वेशन के कारण मिला, और यदि रिजर्वेशन खत्म होता है तो हमारा सब कुछ खत्म होता है। कोई अधिकारी नहीं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं, सब निचली लेवल पर ढकले जाएंगे। तो साथियों, यह जो खतरा है, यह खतरा कोई कर्मचारियों पर नहीं है, कोई अधिकारियों पर नहीं है, तो सभी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के ऊपर और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर इस देश में हो रहा है। तो इन संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखने की मांग को लेकर आज की इस ऐतिहासिक रैली का यह आयोजन किया गया है। बड़ी तादाद से, मुझे पता है कि केरला से लोग आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, आंध्र से आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आए हैं, महाराष्ट्र में बड़ी तादाद से यह सरकारी कर्मचारी आए हैं। यह जो महाराष्ट्र की तीनों बिजली कंपनियां हैं, उन तीनों बिजली कंपनियों के कर्मचारी और पर्टिकुलरली MSME बैकवर्ड क्लास इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयड यूनियन के हजारों कर्मचारी इस रैली में शरीक हुए हैं। मैं सभी का इस रैली के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस रैली के माध्यम से जो आवाज इस देश में उठा है, उस आवाज को हमें जिंदा रखना है। कब तक? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमारे संवैधानिक अधिकार हमें नहीं मिलते, तो इस शक्ति को लेकर इस रामलीला मैदान से हमें वापस जाना है। और हमें यह भी ध्यान में रखना है कि यह लड़ाई जो है, यह कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हमें निरंतर हमें लड़ना है। और निरंतर लड़ाई लड़ने की ताकत इस रैली के माध्यम से सभी को प्राप्त होगी, ऐसी आशा रखते हुए मैं यहाँ अपना प्रास्ताविक समाप्त करता हूँ। जय।